वेल हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैवलरीन वर्सेस डेयरडेविल। तो वैसे तो हम सभी को जान पता ही है कि भाई डेयरडेविल के बहुत सारे सीजन आए हैं। वैसे तो नहीं देखे तो मैं कहूँगा आप देखो, क्योंकि डेयरडेविल के बारे में आप तब तक नहीं जान सकते जब तक भाई आप उसके सीजन नहीं देख सकते। उसकी पावर के बारे में नहीं पता चलेगा आपको। भाई एयरिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी, भाई स्ट्रेंथ भी अच्छी है, फाइट भी काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ सकता है, लेकिन फिर भी भाई बंदा ब्लाइंड है। और ये क्यों हुआ ये तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप डेयरडेविल सीजन देखें। अब बात करते हैं कैवलरीन की। तो भाई कैवलरीन का तो हमें पहले ही कैमियो देखने को मिला था, वो भी एक सीन कुछ ही सेकंड के लिए, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर। और वो तो आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई एक ही पंच में डेडपूल कहाँ जाके गिरा था, ये सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। वो सीधा पोर्ट हो गया था भाई हल्क और वुल्वरीन की लड़ाई के अंदर। तो भाई आप सभी जानते हैं कि भाई जो अपना कैवलरीन है वो बहुत ही पावरफुल है भाई, उसके क्लोब्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, और भाई उसका हीलिंग फैक्टर बहुत ही अच्छा है, और स्टाइल और बॉडी पर्सनैलिटी की तो बात ही मत पूछो यार। लड़कियां क्या डेडपूल जैसे लड़के भी फिदा हो जाते हैं भाई। तो इन दोनों की फाइट होगी, जब दोनों के बीच घुटम घुट होगी तो भाई ओबियसली मैं सच कहता हूँ, मुझे पता है और आप सभी जानते होंगे कि भाई हेनरी कैवल का जो वुल्वरीन है वो इतना पावर और फुल और स्ट्रॉन्ग है कि वो दो मिनट में ही डेयरडेविल का खेल खत्म कर देगा, उसे आगे जाने ही नहीं देगा भाई। वैसे भी कैवलरीन के लिए डेयरडेविल या कोई भी सुपर हीरो को हराना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई थोर के सामने तो हेनरी कैवल भी फीकाई पड़े। बाय द वे हम बात करते हैं, अब जो भी हेनरी कैवल के फैन हैं, जो भी चाहते हैं कि हेनरी कैवल फिर से सुपरमैन के रूप में नजर आए, वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।